भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से किसान अपना आईडी कार्ड बना सकते हैं। आईडी कार्ड बन जाने के बाद वो किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा सकते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। आईडी कार्ड ना होने की वजह से किसान सम्मान निधि योजना की राशि भी रुक सकती है। तो चलिए जानते हैं कि इस आईडी कार्ड को बनाया कैसे जाता है ऑनलाइन। तो सबसे पहले आपको इस पोर्टल पे आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। तो सबसे पहले लॉगिन एज फार्मर, तो फार्मर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि आप पहले बार है तो आपको अकाउंट बनाना यहाँ जरूरी है। तो सबसे पहले आपको अपना किसान का आधार कार्ड यहाँ डाल लेना है और उसको आई हेयर वाई पे ऑटोमेटिक क्लिक है और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके आधार से जुड़े हुए मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं ओटीपी सेंड हो गया है। उस ओटीपी को यहाँ फिल कर लेंगे और वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। जैसा देख सकते हैं कि मेरा मोबाइल आधार वेरीफाइड हो चुका है। यहाँ आपका आधार से जुड़ा हुआ सब कुछ, नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आपका सब यहाँ ऑटोमेटिक आ गया है। एड्रेस भी आ गया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नीचे आना है और आपको बोल रहा है मोबाइल नंबर लिंक करना है, ठीक है। तो अगर आपको एक मोबाइल नंबर डालना है, आधार वाला नंबर भी डाल सकते हैं, अदरवाइज आप दूसरा नंबर भी यहाँ फिल कर सकते हैं। उसके बाद नंबर डालते ही आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ फिल कर लेंगे। उसके बाद वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं मेरा मोबाइल नंबर भी वेरीफाइड हो चुका है। अब आपको नीचे आना है, आपको पासवर्ड जनरेट करना है। तो आपको एक पासवर्ड यहाँ बना लेना है, तो जो आपको याद रहे वो पासवर्ड यहाँ बना लेंगे। उसके बाद फिर से बगल में रीटाइप कर लेंगे। पासवर्ड टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर क्रिएट माई अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस तरह आप आपका देख सकते हैं कि आपका अकाउंट सक्सेसफुल भी क्रिएट हो चुका है, एक्टिवेट हो गया है। यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप इस वाले पेज पे फिर से आ जाओगे। फिर से आपको लॉगिन एज फार्मर पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर यहाँ डालना है, फिर ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, या फिर आप पासवर्ड भी डाल के लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पासवर्ड याद है। अदरवाइज आप ओटीपी डालकर क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ कैप्चा फिल कर दिया और लॉगिन पे क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही आपके सामने नो योर केवाईसी डिटेल आर एस बिलो, तो आपका केवाईसी जो भी डिटेल है वो आपको यहाँ दिखने लगेगा। इसमें नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एज क्या है, आपका एड्रेस क्या है, वो आपको सब कुछ यहाँ दिखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आपको रजिस्टर एज ए फार्मर नीचे का ऑप्शन आ रहा होगा, उससे पहले आपको एक मोबाइल नंबर आपका यहाँ दिख रहा होगा सामने में, ठीक है, कौन सा मोबाइल नंबर डाला है। अगर आप चाहे तो रजिस्टर एज ए फार्मर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं कि नहीं। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। तो मैंने नो पे क्लिक किया, यहाँ मोबाइल नंबर यहाँ दिख रहा है मेरा। अब एक आपको एक ईमेल एड्रेस यहाँ डालना है, ठीक है। तो आपको अपना ईमेल यहाँ एक डाल लेंगे। ईमेल डालने के बाद आपका वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको फार्मर डिटेल ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, आप देख सकते हैं फार्मर नेम इन लोकल लैंग्वेज। अगर आप जिस भी एरिया के हैं, जिस भी क्षेत्र के हैं, तो अगर आपका इंग्लिश में नाम आ रहा है तो आप वहाँ लोकल लैंग्वेज में कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ कैटेगरी, कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट करना है। तो आप ST है, SC है, OBC है, जनरल है, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ OBC सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपको यहाँ नीचे पूछा जा रहा है कि आपका जो नाम है पिताजी का, उसका भी आपको यहाँ इंटर करना है लोकल लैंग्वेज में। तो ये आपको मैच कर लेना है, जैसे आप डालोगे तो मैच हो जाएगा, ठीक है। जो भी क्षेत्र के हैं वो आपको डाल लेना है, टाइप कर लेंगे। उसके बाद नीचे आपको फार्मर डिटेल में आपका फोटो ऑलरेडी आ चुका है आधार के थ्रू। अब आपको यहाँ फार्मर कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, यानी आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो बना है उसका यहाँ नंबर आपको यहाँ टाइप करना है।
अगर आप ओबीसी से हैं, एसटी से है, एससी है, तो आपको उसका नंबर यहाँ टाइप कर देंगे। रेसिडेंशियल एड्रेस यहाँ ऑटोमेटिक डाला हुआ है सब कुछ, ठीक है। अब आपको यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। अब लैंड ओनरशिप डिटेल, यहाँ आपको ओनर पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको ऑक्यूपाइज डिटेल में एग्रीकल्चर करना है और फेच डिटेल इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी काफ़ी सारे लोगों का फेच डिटेल करने से यहाँ रिकॉर्ड नहीं आता है, आधार के थ्रू ज़मीन का विवरण नहीं आता है, लेकिन काफ़ी लोगों का आ भी रहा है। तो आप फेच डिटेल करके जैसे ही करोगे तो आपका नीचे यहाँ शो होने लगेगा, ठीक है। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ देख सकते हैं स्पेशल रजिस्ट्री डिटेल, तो यहाँ फैमिली पे क्लिक करेंगे, फैमिली आईडी यहाँ टाइप कर देंगे या मेंबर रेसिडेंस आईडी, ठीक है। अगर आपके पास राशन कार्ड नंबर है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज चीज़ें छोड़ दीजिएगा। उसका डिपार्टमेंट अप्रूवल क्या है, एग्रीकल्चरल, उस पर आपको क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद फार्मर कंसेंट जरूरी है तो एग्री पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और नीचे एक और बॉक्स है वो भी क्लिक करेंगे और सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपको कुछ ही दिन में आपके ईमेल आईडी पे एक आईडी कार्ड जनरेट होकर आ जाएगी, जिसे आप फार्मर आईडी भी कहते हैं, किसान आईडी, ठीक है। इस आईडी का बहुत ही उपयोग है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले बनाया था। अगर आपको एप्लीकेशन करने से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं हर किसी को रिप्लाई करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।